गेस्ट हाउस एक ऐसे गेस्ट हाउस की कहानी है जहाँ के माली से लेकर मैनेजर तक सबकी नजरें इस गेस्ट हाउस की मिल्कत पर टिकी हुई है। नहीं जानते कि कौन इसका वारिस है, इन्हें कोई हरज नहीं कि यहाँ कौन आता है और कौन जाता है और क्या करता है। हरज होती है तो सिर्फ इस बात की कि इसकी आमदनी कैसे हासिल की जाए। लेकिन एक शख्स ऐसा है जो हर चीज और हर बात की खबर रखता है और वो है ऑफिसर इब्राहिम, जो सबके इरादे खाक में मिला देता है। ऑफिसर इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके इस गेस्ट हाउस की बड़ी तारीफ सुनी है। जी बड़ी, जरा नवाजी है आप। तो कराची के जितने भी होटल मोटेल और गेस्ट हाउस उनको एक तरफ किया, मैंने कहा यहीं रहूंगा मैं। जी जी जी। आपके होटल की एक बात यह है कि आप स्विमिंग पूल है, मसाज सेंटर है, ये सबसे अच्छी बात है इस होटल। मैं कारोबारी सिलसिले में तकरीबन एक हफ्ते इस होटल में ठहरूंगा, तो एक अच्छा सा रूम एसी वाला सिंगल बेड दे दें ताकि अच्छा हो जाए। देखें कोई है खाली? हाँ सर, एक सिंगल कमरा खाली है, लेकिन ये आपको फर्स्ट फ्लोर पर मिलेगा। लेकिन फ्रंट साइड का नहीं होना चाहिए, बैक साइड का होना चाहिए, शोर शराब ना होना हो, जरा सुकून वाली। ये है सर, लेकिन ये आपको थर्ड फ्लोर पर मिलेगा। वो कोई मैटर नहीं करता, आपके लिफ्ट लगी हुई कोई बात नहीं, लाइट तो नहीं जाती है ना ज्यादा? अरे नहीं सर, जनरेटर का भी इंतजाम तो मुझे पता है, लेकिन आजकल गर्मी बहुत है ना, जनरेटर भी काम नहीं करते हैं। नाम बताइए मेरा। अब्दुल मन्नान, लिख ले आप सर। से NIC है सर आपके पास? हाँ वो तो मेरे पास है, वैसे तो मुझे जबानी भी याद था, लेकिन फिर भी आप ये कहाँ गया, ये ले, ये शराब। थैंक यू सर। वैसे बड़ा हंसते बोलते हैं, अब सुनाई नहीं दे रहा था मुझे। नहीं है सर। शाबाश। जी सर। भाई हमारे खास मेहमान। हेलो सर। शाबाश, थर्ड फ्लोर पे जाओ, सामने वाला कमरा है ना, कमरा नंबर 302। जी सर। उनको दें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होना चाहिए सर, तो जो चाहिए वो दें। ठीक है सर। खाना रूम में दे देते सर? खाना भी रूम में मिलेगा आप। ठीक है, ज़रा मैं शावर वावर ले लूँ। आइए सर, उसके बाद खाना आप मुझे भेजिए। चलो ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई मेरा पूछे या फोन आए तो बोल दीजिएगा वो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, डिस्टर्ब। टेंशन सर। ओके ओके, हमारी जिम्मेदारी, आप जाइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ अंकल। बहुत बड़ा आवाज आई यार, एक रूम चाहिए। जी सर, ये बच्चा भी आपके साथ रहेगा? डबल बेड का रूम चाहिए। अच्छा अच्छा, डबल बेड का रूम चाहिए। डबल बेड का सर, आपकी रिहाइश कहाँ है? रिहाइश तो मैं बिहाड़ी से आया। अच्छा अच्छा, बिहाड़ी से। ठीक है, मैं एक ज़रूरी काम के सिलसिले में आया हूँ, अगर डबल बेडरूम मिल जाए मुझे तो। जी जी, एसी विदाउट एसी? एसी। NIC मिलेगा आपको? जी जी ज़रूर मिलेगी। रेंट वगैरह बता दे सर। वो मुनासिब है आपके लिए सर, 6,000 रुपये है पर डे रूम। कुछ ज़्यादा नहीं है? अरे सर, हाँ तो बस रेडी अपने हिसाब से।
आप बेफिक्र रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं। वो मसाज का कोई अच्छा बात में बात कर लें, लेकिन ये है कि हो जाए। नहीं नहीं सर, ये बच्चा आपके साथ है और बताइए स्विमिंग पूल से दूर है, बड़ी परेशानी होती है वहाँ पर, अभी गाइड नहीं है ना। ठीक है, नहीं फिर मैं बाद में आके आपसे बात करता हूँ। ठीक है, समझ गया। अभी सर आप जाए, मैं मसाज का भी है। हाँ बच्चा है तो शाबाश, ये इनको ले जाए, बच्चा इनके साथ होगा और आप देखिए बच्चा स्विमिंग पूल की तरफ नहीं है। ठीक है, ये चाबी लें तो रूम नंबर 35 में बिठा दें। जाए सर, जाए बच्चे को भी लीजिए। फिर मैं बाद में आ जाऊँगा। हाँ हाँ जाए ठीक। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम खान साहब, कैसे हैं आप जी? क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? एक कमरा चाहिए। आपको चाहिए डबल बेड सिंगल बेड? सिंगल बेड भाई। अच्छा, कितने दिनों के लिए चाहिए कमरा? यार बस तो 4 दिनों के लिए कमरा चाहिए होगा, कुछ परेशानी है यार, अपना पैसों के रिकवरी करना है तो 4 दिन के लिए। सर क्या नाम है आपका? शाहिद खान। शाहिद खान, क्या कारोबार है सर आपका, मुझे बताइए। कारपेट का कारोबार है। अच्छा, कारपेट बेचते हैं, महंगाई से दें? ये लो महंगाई। थैंक यू। यार एक बात तो बताओ, ये लियारी किधर है? लियारी उधर मेरा कुछ पैसा फंसा है। अच्छा अच्छा, तो मैं इधर रिकवरी के लिए आया हूँ ताकि मैं अपना पैसा इधर रिकवर कर सकूँ। अच्छा, आपको पैसे रिकवर करने? नो टेंशन सर, ये हम आपकी खिदमत करेंगे, आप टेंशन ना लें, हमारा वेटर है ये आपका काम कर देगा, मैं बुलवाता हूँ उसको और होगा। शाबाश शाबाश, शाहिद भाई ये इनको कमरा दिखाएं और इनके पैसे रिकवर करवा रहे हैं हमने लियारी से, तो आप इनके साथ जाइएगा, जो भी मसला है इनका हल कर देगा। ठीक है, और बाकी जो ये आपका मसला देख लेंगे, आप भी देख लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
अगर ये मेरा मसला हल कर देगा तो हम आपको भी कुछ दे देगा। ये लो कमरे की चाबी और जाओ शाहिद भाई को लेकर जाओ। अच्छा ये बताओ ये चील चौक किधर है, मुझे जरा वहां से भी रिकॉर्ड। अच्छा अच्छा चील कहाँ है, चील तोड़ दो फायरिंग की वजह से अब सिर्फ चौक रह गया। अच्छा 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 चौकी का मत जाइए, आपको रिकवरी करवा देगा ये हमारा, इसका ख्याल रखेगा। शाबाश, देख लेना शाहिद भाई को। चलो मेहरबानी, शुक्रिया, कोई बात नहीं, जा रहे हो। ओके ओके, इनका तो अल्लाह ही आप है भाई। Hey!